हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टोस्टी किचन। भाई चाय के साथ जब तक स्नैक ना हो ना, मज़ा ही नहीं आता। इसलिए आज मैं जो आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ, वो बहुत ही कम टाइम में तैयार होने वाला स्नैक है और ये घर में इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ कभी भी बनाया जा सकता है और इसका नाम है ब्रेड पोटैटो स्नैक। सो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। सो ब्रेड पोटैटो स्नैक बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिए हैं 3 पीस ब्रेड। अब इसमें 3 बड़े चम्मच पानी ऐड कर दीजिए और एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए इस ब्रेड से। सो ये अब एक स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब इसमें आपने ऐड कर देने हैं 2 उबले हुए आलू। इनको इस तरह से मैश कर लीजिए। ऊपर से आपने ऐड कर देना है इसमें 2 छोटे चम्मच हरी मिर्च, 3 बड़े चम्मच प्याज, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच चिली पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया। अब ऊपर से आपने इसमें डालना है 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसका एक डो रेडी कर लिया है। अब हम इसे कटिंग बोर्ड पर ट्रांसफर कर लेते हैं। सबसे पहले हल्का सा कॉर्नफ्लावर स्प्रेड कर लीजिए ताकि ये चिपके नहीं। अब जो मिक्सचर है उस डो को इस पे रख लीजिए और अब आपने इसे फ्लैट करना है, तो इसे इस तरह से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते जाइए और इसको फ्लैट कर लीजिए। तो इस तरह से आप इसे हल्का सा थापते जाइए और उसके बाद इसे इस तरह से राउंड शेप में क्लॉकवाइज घुमाते रहिए। इससे क्या है, ये नीचे बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और जो आपका डो है वो फ्लैटन होता चला जाएगा। सो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे फ्लैट कर लिया है और आप जितना मोटा या पतला रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसको फ्लैट कर लीजिए और साइड से इसको लास्ट में इस तरह से शेप दे दीजिए। अब लास्ट में हमने इसको ट्रायंगल की शेप में कट करना है, तो इस तरह से आप इसमें कट्स बना लीजिए। चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। सो मैंने एक पैन में ऑलरेडी ऑयल को प्री हीट कर लिया है। अब हम इसमें ब्रेड पोटैटो स्नैक के पीसेस को एक एक करके फ्राई करना स्टार्ट करते हैं।
आपने इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। अब एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो हम इन्हें फ्लिप कर देते हैं। ये देखिए हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं, तो इन सबको एक एक करके आपने फ्लिप कर लेना है। वाओ, ये देखिए फ्राइंग पैन में भी इनका कितना सुंदर सा डिजाइन बन रहा है। आपने बस एक बात का ध्यान रखना है कि इन्हें मीडियम लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। सो एक बार चेक कर लेते हैं अगर ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। यस, ये देखिए सारे पीसेज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम गैस का नॉब जो है वो ऑफ कर देते हैं और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अब ये जो ब्रेड पोटैटो स्नैक है इन्हें एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। सो इस तरह से हम इसको एक प्लेट में सजा लेते हैं। एक छोटी सी कटोरी में यहाँ पर मैंने ले लिया है सॉस। सो ब्रेड पोटैटो स्नैक की जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टोस्टी किचन, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।